देखो यार, बोमन ईरानी का ना थिएटर्स में डायलॉग था यार, दुनिया ना पहले नंबर वाले को याद रखती है, दूसरे वाले को याद नहीं रखती। तो यार इसी के चलते ना इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में बात करनी है। उसमें से एक ही होगा कि यार एनिमल की हम जवान से ना एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जवान इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी, एक चीज। दूसरी चीज, मैं आपको एनिमल की आज की अपडेट दूंगा कि कलेक्शन कितनी आ रही है आज की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, कल का आपको एडवांस बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात मुझे वीडियो के एंड में आपको ये बतानी है कि क्या ऐसी बात है जो मुझे इस वक्त एनिमल के रास्ते आड़े आते हुए दिख रही है, जो कि शायद उसे रोक सकती है हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ द ईयर बनने में। तो यार क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। फटाफट फटाफट देखो, पहली बात, एनिमल जो कर रही है ना, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई थिंक वर्ड छोटा है उसके लिए, ये वर्ड छोटा है, बट स्टिल मैं आपको बताता हूं। जवान इस साल की भयंकर हिट थी यार, मेरी नजरों में जवान बहुत बड़ी हिट थी, फुटफॉल्स क्रेज वो सब लेके। एनिमल देखो, जवान ने फर्स्ट डे 75 करोड़, सेकंड डे 53 करोड़, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं अभी मैं, हिंदी में भी नहीं जा रहा हूं। थर्ड डे 77.83 करोड़, फोर्थ डे 80.1 करोड़, फिफ्थ 32.92 करोड़, फिफ्थ डे था उसका मंडे 32.92 आए थे, और सिक्स्थ डे यानी ट्यूजडे उसके 26 करोड़ आए थे ऑल इंडिया नेट में। तो टोटल अगर जवान का 5 दिन का मैं आपको बताऊं तो 319 करोड़ था, ठीक है। अब एनिमल का एक बात समझना और उसके सुनना बात, क्योंकि इससे कनेक्टेड आगे वाला पॉइंट आने वाला है। 63.8 पहला दिन ऑल इंडिया, 66.27 दूसरा दिन, 71.46 तीसरा दिन, 43.96 चौथा दिन मंडे। ये अब यहां से कहानी थोड़ी सी ना किसी और डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। ट्यूजडे 37.47 करोड़ ट्यूजडे का आया, विच इज अगेन अ वेरी ह्यूज नंबर। अब आज अभी इस वक्त 6-7 जितने भी बज रहे हैं, अभी 17.56 करोड़ की कलेक्शन हो चुकी है इसकी एनिमल की। तो आज की जो कलेक्शन है वो भी मुझे लग रहा है 32 के आसपास जाती हुई मुझे दिख रही है, 30-32 के आसपास। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, उसके बाद एडवांस बता दूंगा। देखो एनिमल के साथ ना, एनिमल अभी बहुत चल रही है, बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी शोर मचा रहे हैं, मतलब हमें देख के ऑब्वियसली लग रहा है तो बोलना ही पड़ेगा, वेबसाइट्स में आ रहा है। लेकिन एनिमल के साथ एक लॉजिकल चीज समझना भाई, देखो एनिमल एक हैवी टॉप मूवी होती है, जवान के साथ भी हुआ था। कुछ मूवीज होती हैं जिनको ना पहले बहुत ज्यादा देख लिया जाता है ड्यू टू क्रेज, वो इतनी बात हो जाती है वो मूवी, किसी फॉर एनी रीजन वो मूवी हो सकती है, राइट। वो एनिमल भी हो सकती है अपने वायलेंस के लिए, वो जवान हो सकती है अपने विक्रम राठौर के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, वो गदर कोई भी हो सकती है। तो जो ये हैवी टॉप मूवी होती है ना, इनको फर्स्ट इनिशियली बहुत मैसिव रिस्पॉन्स मिलता है। अब मूवी को अगर इसके बाद नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट गियर पे जाना होता है तो उस मूवी की रिपीट वैल्यू होनी चाहिए और उस मूवी के पास टाइम होना चाहिए। ये दोनों ही फ्रंट पे मुझे एनिमल, यही ऐसा एक मुझे पार्ट लग रहा है जहां पे एनिमल शायद रुक सकती है, शायद अगर रुकी तो शायद इन कारणों की वजह से रुकेगी। क्योंकि देखो रिपीट वैल्यू का एक तो लेंथ है मूवी की, तो रिपीट देखने वाला ना एक बार चाहे उसको जितनी भी अच्छी लगी हो ना, 5 स्टार भी वाली लगी हो, एक बार हल्का सा वो सोचेगा यार शायद मैं ना इस मूवी को 4 घंटे दोबारा स्पेंड ना कर पाऊं, ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि 40-50 दिन इसके पास है नहीं, डंकी सलार आ रहे हैं 21 तारीख को, तो एक चीज हो सकती है। अच्छा, और बहरहाल मैं आपको ये तो एक बात हो गई, दूसरी बात भाई बता दूं, 481 करोड़ ग्रॉस आपको पता चल चुका होगा वर्ल्ड वाइड 5 दिन में हो चुके हैं, और 3.8 अभी तक की तीन कल तक की एडवांस है। तो आई थिंक वो जो भी एडवांस, अब तो ये स्पॉट बुकिंग पे ज्यादा अपना जो इसका गेम है वो चल रहा है, और ऑक्यूपेंसी के हिसाब से आज भी जो ऑक्यूपेंसी है वो कल से कम है 4-4, 5-5%। तो यार अगर कल इसकी कलेक्शन 37 पॉइंट कुछ थी तो आज 30-32 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट फिंगर्स क्रॉस रखना, ये देखने वाली चीज होगी कि एनिमल लंबी रेस का घोड़ा होगी या नहीं होगी। हवाबाजी में इस वक्त बहुत ज्यादा आना ठीक नहीं है, वेट करना पड़ेगा हफ्ता, उसके बाद पता चलेगा रियल ट्रेंड क्या है। एज ऑफ नाउ बट इट इज डूइंग एन आउटस्टैंडिंग जॉब, टेक केयर, बाय बाय।